हेलो एवरीवन, कैसे हो मित्रों? सब बढ़िया होंगे, सब फर्स्ट क्लास तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे क्योंकि पेपर हमारा नज़दीक है। तो चलिए आज हम आपके लिए डेली डोज का आपकी नई क्लास लेकर आ गया हूँ आप लोगों के लिए। फटाफट से इसको कंप्लीट कर लेते हैं क्योंकि भाई मैं आपको बता दूँ, यहीं से हमारे क्वेश्चन फंसेंगे और ऐसे ही क्वेश्चन हमारे पूछे जाएंगे, ठीक है? तो समय खराब करने से अच्छा है कि हम लोग MCQs की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर लें, ठीक है? जो हम लोगों ने थ्योरी पढ़ी है उस थ्योरी को पढ़ लें, बाकी जो हमारे पास जो समय बच रहा है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा MCQ की प्रैक्टिस करें। इसीलिए मैं आपको डेली डोज में ज़्यादा से ज़्यादा MCQ कराने की कोशिश कर रहा हूँ। साथ ही साथ में जब मैं आपकी महा मैराथन लूँगा तो उसमें मैं आपके लिए कई सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराऊंगा, जिसमें आपका पूरा का पूरा हिस्ट्री एक ही बार में क्या हो जाएगा, पूरा संपूर्ण तरीके से कवर हो जाएगा। तो चलिए पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं जो हमारी स्क्रीन पर हमको नज़र आ रहा है। हमसे बात कर रहा है, क्या बात कर रहा है आप सभी को विजिबल होगा ये अच्छी तरीके से। क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि लोक निर्माण विभाग, बात कर रहा है कि ये जो लोक निर्माण विभाग है ये किसके द्वारा स्थापित किया गया था, ठीक है? पूछ रहा है इन चारों ऑप्शंस में से जो लोक निर्माण विभाग है ये किसके द्वारा स्थापित किया गया था। ऑप्शन हमें दे रखे हैं इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी या फिर फिरोज शाह तुगलक। बात कर रहा है कि इन चारों में से किसके द्वारा क्या स्थापित किया गया था, लोक निर्माण विभाग स्थापित किया था। तो भैया आंखें मूंद के मार दो, फिरोज शाह तुगलक। और मैं आपको एक बात यहाँ पे जरूरी बता दूं, क्या बता दूं कि आपकी ये जो क्लास आज की होने वाली है वो मुगलक और तुगलक वंश, आपकी ये जो मुगल हैं, आपके ये जो मुगल हैं और साथ ही साथ में आपके खिलजी हैं, ठीक है? साथ ही साथ में आपके खिलजी हैं और आपके ये जो तुगलक हैं और आपके जो साथ में क्या है, ये तुगलक है। आज क्लास जो आपकी है वो स्पेशल इन्हीं तीनों के ऊपर होने वाली है, ठीक है? ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन मैंने आपके इसमें खिलजी वंश से और तुगलक वंश से ज्यादा मैंने आपके क्वेश्चन इन्हीं वंश से उठाए हैं, ठीक है? तो चलो देख लेते हैं जरा क्या कह रहा है ये। हमारी अगर मैं बात आपसे कर रहा हूं तो ये क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है देख लेते हैं भैया। हमसे बात क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन हमसे क्या बात कर रहा है, अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि भाई ये बताना है आपको कि किस सुल्तान के पास दरबार में सबसे अधिक संख्या में गुलाम थे। बात कर रहा है अगले प्रश्न में हमसे कि आपको बताना है कि निम्नलिखित में से इन चारों में से किसके पास, जिसके दरबार में सबसे ज्यादा गुलामों की संख्या थी, सबसे ज्यादा गुलाम किसके पास थे। ऑप्शन क्या है, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक या फिरोज तुगलक। फिरोज तुगलक मतलब फिरोज शाह तुगलक की बात हो रही है। तो मैंने आपको बताया था जो आज की क्लास आपकी स्पेशल है वो तुगलक वंश पर और आपके खिलजी वंश पर स्पेशल है, ठीक है? तो देख लेते हैं जी यहाँ पे क्या है, बात कर रहा है सबसे ज्यादा गुलामों की। तो सबसे ज्यादा जो गुलाम थे वो इन चारों में से आपके फिरोज शाह तुगलक के दरबार में थे। सबसे ज्यादा आपके जो राजघराने में जो भैया आपके गुलाम थे वो गुलाम किसके में थे, वो गुलाम आपके फिरोज तुगलक के थे, ठीक है? अगले की बात कर लेते हैं, अगला प्रश्न हमसे क्या कह रहा है, अगला प्रश्न हमसे कह रहा है सुल्तान का शासनकाल में बात बतानी है कि भैया खलीसा भूमि के बड़े पैमाने पर विकास हुआ। बात कर रहा है क्या, खलीसा भूमि के बड़े पैमाने पर, ठीक है? किसके किसके शासन में, किसके शासन में विकास हुआ है, कहाँ विकास हुआ है, खलीसा भूमि पर विकास हुआ है। आपके ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक या फिर फिरोज शाह तुगलक। तो बात कर रहा है किसकी भैया, भूमि की बात कर रहा है। ये जो भूमि की बात होती है भैया, ये ज्यादातर देखो भैया, ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि मैं जो ऑप्शन है उसके हिसाब से आप मार देना, ठीक है? खिलजी वंश में भैया ज्यादा कर लगाने की भी बात हुई थी और साथ ही साथ में भैया यहाँ पे काफी सारी चीजें थी जो खिलजी वंश में देखने को मिली थी अलाउद्दीन खिलजी के समय में, ठीक है? तो ऑप्शन हमारा यहाँ से कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन हमारा बी बिल्कुल यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, जो कि क्या है, अलाउद्दीन खिलजी। तो जो खलीसा भूमि है इसका जो विकास हुआ था वो किसके किसके आपके काल में हुआ था, वो आपके अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल में हुआ था। अगले की बात करते हैं तो भैया ये थोड़ा माफ कीजिएगा, ये मुस्लिम है, ये क्या है आपका, मुस्लिम है, ठीक है? बात कर रहा है मुस्लिम शासकों के किस समय में सख्त मूल्य नियंत्रण प्रणाली लागू की गई थी। बात क्या हो गई भैया, बोले भैया देखो एक तो यहाँ पे भूमि की बात हो गई, मैंने कहा भूमि से संबंधित, बोले भैया ऐसा है कि कर जो है वो निश्चित कर दो, कर जो है वो क्या कर दो, निश्चित कर दो और उसी के हिसाब से सब लोग कर भरा करेंगे। उस हिसाब से भैया जब कर वसूला जाएगा और निश्चित रूप में वसूला जाएगा तो करा भी क्या जाएगा, ये करा जाएगा कि हर एक चीज की दर को क्या कर दिया जाएगा, एक पैमाने पे सेट कर दिया जाएगा कि भैया इतने नीचे आप किसी भी तरीके से कर ना तो देंगे और ना ही हम आपसे लेंगे। तो इसमें क्या कह रहा है कि सख्त मूल्य नियंत्रण प्रणाली,
बात कर रहा है कि भैया कठोर तरीके से आपने बिल्कुल सख्त तरीके से मूल्य नियंत्रण कर लिया है, वो पूछ रहा है कि इन चारों में से किसके शासनकाल में ऐसा हुआ था। तो भैया किसके में हुआ था, ये आपका हुआ था अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन ए आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जैसे कि मैंने आपसे बोला ही था कि आज जो है वो खिलजी और तुगलक वंश जो है उसकी आज आपकी स्पेशल क्लास है, स्पेशल आपके लिए एमसीक्यूज लेकर आया हूँ मैं। तो अलाउद्दीन खिलजी यहाँ से क्या हो जाएगा, बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले की तरफ बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है, बात कर रहा है कि सुल्तान में बाजार सुधार की शुरुआत हुई थी, किसकी हुई थी, बाजार के सुधार की शुरुआत हुई थी। अरे भैया जब भूमि पर कर बढ़ाओगे, हर एक चीज को नियंत्रण कर लोगे और कठोर प्रणाली अपनाओगे, तो भाई जाहिर सी बात है बाजार में भी तो सुधार लेकर आओगे। तो बाजार का सुधार जो है वो किसकी तरफ इशारा कर रहा है, देख लेते हैं ऑप्शन की तरफ। बात कर रहा है जलाउद्दीन खिलजी की, अलाउद्दीन खिलजी की, मोहम्मद बिन तुगलक की या बलबन की। तो जलाउद्दीन खिलजी जो आपके भैया संस्थापक थे आपके खिलजी वंश के, लेकिन बात यहाँ पर किसकी है भैया, अलाउद्दीन खिलजी की। 1296 डेट याद रखना भैया इसकी, बहुत ज्यादा जरूरी है। जलाउद्दीन खिलजी ने कब स्थापना की थी, 1290, ठीक है, खिलजी ने कब करी थी, जलाउद्दीन खिलजी ने 1290 में, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी जो थे वो 1296 से शासन कर रहे थे, ठीक है जी। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न हमसे कह रहा है, बात कर रहा है सुल्तान की जिसने भूमि के राजस्व को 50% बढ़ाया था, कहां तक बढ़ाया था भैया, 50% तक बढ़ा दिया था, ठीक। अब पहली बात तो है जो आप पर कर लगाया गया, ठीक है, कर के बाद आपकी हर एक प्रणाली को क्या किया गया भैया, नियंत्रण किया गया, मतलब हर एक चीज की प्रणाली बनाई गई जो कठोर प्रणाली थी। साथ ही साथ में भैया बाजार में भी सुधार किया गया, बाजार में भी क्या किया गया भैया आपका, सुधार किया गया। बाजार के अलावा भैया क्या कह रहा है, अगला जो है वो कह रहा है 50% राजस्व आपका बढ़ाया गया था, मतलब जो टैक्स था, ठीक है, वो क्या किया गया, 50% बढ़ा दिया गया। जो आप कर अब तक देते आ रहे थे वो कर क्या हो रहा था, वो कर को बढ़ाया जा रहा था। तो ऑप्शन देख लेते हैं क्या है भैया, किसने ऐसा किया था, मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था, अलाउद्दीन खिलजी ने किया था, फिरोज शाह तुगलक ने किया था, बलबन ने किया था। हाँ जी, तो आपके हिसाब से क्या हो सकता है इसका सही उत्तर, अरे भैया एक ही चीज है, दैट इज अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने ही ये सारी चीजें करी थी। तो अलाउद्दीन खिलजी से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण प्रश्न आपसे बन सकते थे, वो महत्वपूर्ण प्रश्न मैंने आपको यहाँ पे दे रहा हूँ और आपको कराता हुआ भी आया हूँ, ठीक है। चलो अगले की बात कर लेते हैं। अगला हमसे क्या कह रहा है, अगला प्रश्न हमसे कह रहा है कि बात कर रहा है भैया दिल्ली के सुल्तानों में, दिल्ली के सुल्तानों में बात कर रहा है बेरोजगारों की सहायता के लिए रोजगार विनियम की स्थापना की, किसके किसकी बात कर रहा है, बात यह कर रहा है कि दिल्ली के बाजारों में, दिल्ली के बाजारों में जो सुल्तान थे उस सुल्तान ने क्या करा, सहायता करने के लिए रोजगार विनियम की स्थापना की थी। तो इन चारों में से किसने किया था ऐसा, दिल्ली के सुल्तानों में से इन चारों में किन ने किया था, बलबन ने किया था, अलाउद्दीन खिलजी ने किया था, मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था, फिरोज शाह तुगलक ने किया था, है ना, किन्ने किया था भाई, तो किन्ने किया था, आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, फिरोज शाह तुगलक ने ऐसा किया था, किन्ने ऐसा किया था, फिरोज शाह तुगलक ने ऐसा किया था, ठीक है। चलो अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं, अगला प्रश्न आपसे क्या कह रहा है, अगला प्रश्न आपसे क्या कह रहा है, भारत में पहली बार टोकन मुद्रा, बात कर रहा है सबसे पहली बार में टोकन मुद्रा किसने शुरुआत की थी, किसने टोकन मुद्रा का इस्तेमाल किया था। अब जैसे देखते नहीं है, बाजार में हम जाते हैं, बाजार में हम अपना अनाज बेचना होता है, तो क्या होता है जब हम अपना अनाज को तुलवा देते हैं तो एक टोकन मिल जाता है, बोले ये रहा आपका टोकन मनी, आके 2-3 दिन बाद पैसा ले जाइए भैया अपने यहाँ से उठा के। वही सेम तरीके की यहाँ पर प्रणाली इस्तेमाल की गई है टोकन मुद्रा की, किसकी की गई है, टोकन मुद्रा की। तो भारत में पहली बार ये किसने स्थापित की थी, ऑप्शन देख लेते हैं, अकबर, अलाउद्दीन खिलजी, बहाउल लोदी, माफ कीजिएगा थोड़ा सा प्रिंटिंग यहाँ पे मिस्टेक हो सकता है, बहलोल लोदी है, ठीक है, बहलोल लोदी, ठीक है, और मोहम्मद बिन तुगलक। तो किसने किया था भैया, बता दो जी किसने किया था, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा यहाँ से, मोहम्मद बिन तुगलक ने ऐसा किया था, किनने किया था ऐसा, मोहम्मद बिन तुगलक ने ऐसा किया था, ठीक है। तो मैंने आपको भैया फिरोज शाह तुगलक के बारे में भी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बता दिए, अब कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हमारे मोहम्मद बिन तुगलक पे भी हो जाते हैं जो आपके पैट के पेपर में और बाकी के कंपटीशन में आपसे पूछे जाते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ लेते हैं। अगले प्रश्न हमसे क्या कह रहे हैं, अगला हमसे कह रहे हैं कि गाजी मलिक किस आपके राजवंश के संस्थापक थे, बात किसकी कर रहा है, बात कर रहा है गाजी मलिक की, गाजी मलिक भैया किस राजवंश के संस्थापक थे। तो भैया देख लीजिए किसके थे, तुगलक के थे, खिलजी के थे, सैयद के थे या फिर लोदी के थे, तो किसके थे भैया,
नाम अगर पूरा लिख देते तो वैसे ही पता लग जाता हमें किसके थे, है ना। तो अभी मैं बता देता हूँ आपके लिए, आपका ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक हो जाएगा, तुगलक वंश के थे। किसके थे जी? तुगलक वंश के थे, गाजी मलिक आपके तुगलक वंश के थे, ठीक है। अगला हमसे प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न हमसे कह रहा है कि अलाउद्दीन खिलजी के बारे में जिक्र कर रहा है। किसके बारे में जिक्र कर रहा है? अलाउद्दीन खिलजी के बारे में जिक्र कर रहा है और बोल रहा है कि इन निम्नलिखित जनरलों में से तुगलक वंश का पहला सुल्तान बना था। बात कर रहा है इन चारों में से अलाउद्दीन खिलजी जो है, अलाउद्दीन खिलजी कह रहे हैं कि अलाउद्दीन खिलजी के नामक लिखित जनरलों में से कौन अदंत तुगलक वंश का पहला सुल्तान बना था। तो पहला सुल्तान जी कौन बना था आपका? गाजी मलिक बना था, मलिक कपूर बना था, जफर खान बना था या उबर खान बना था? तो कौन बना था भैया आपका? गाजी मलिक। आपका गाजी मलिक यहाँ से बिल्कुल कैसा आंसर हो जाएगा? बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। गाजी मलिक आपके जो थे वो पहले थे ऐसे जो आपके तुगलक वंश के क्या बने थे आपका? सुल्तान बने थे, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न हमसे क्या कह रहा है, अगला प्रश्न हमसे पूछ रहा है कि भैया सुल्तानों में दे रखा है, भैया ये देखो वंश दे रखे हैं। अब बात कर रहा है कि इन वंश के किन सुल्तानों ने सबसे लंबे अरसे तक शासन किया था, ठीक है। ये जो वंश आपके सामने हैं इनमें किन सुल्तानों ने सबसे लंबे समय तक जो था वो शासन किया था, तो हमें बताना है कि भैया किसने किया था? खिलजी वंश ने किया था, लोदी ने किया था, गुलाम वंश ने किया था, फिर तुगलक वंश ने किया था, है ना, किसने किया था? तो देखो इसके लिए एक ट्रिक भी होती है याद करने की, ठीक है, इसके लिए ट्रिक भी होती है याद करने की कि कौन सा वंश कब आया था, किस तरीके से आया था। इन सब ट्रिकों पे मैं बात करूंगा क्योंकि भाई देखो माइंड को थोड़ा सा रिफ्रेश करते हुए चलो, एमसीक्यूज पर ज़्यादा फोकस करो, ठीक है। एमसीक्यू ज़्यादा से ज़्यादा करते हुए चलोगे तो ज़्यादा आपकी पॉसिबिलिटीज़ हो जाती हैं कि आपका पेपर जो है वो आपके हाथ में है, ठीक है। अब आप सोचो कि ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल पढ़ लूँ, पता लगे डिटेल हो गई मिक्स, अब समझ में नहीं आ रहा है कि किस सुल्तान के पूछा था या किस सुल्तान ने सबसे लंबे समय तक करा था, ये थोड़ी दिक्कत हो जाती है। एमसीक्यू से ये चीज़ जो है ना थोड़ी सी शॉर्टलिस्ट हो जाती है। अब शॉर्टलिस्ट हो जाती है आपकी तो आपको ज़्यादा अच्छे समय अच्छी तरीके से आपको पकड़ में आ जाता है क्वेश्चन और आप ज़्यादा अच्छी तरीके से इस चीज़ को कर लेते हैं। तो शॉर्टलिस्ट करना भैया बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो पूछ लेते हैं यहाँ पे क्या कह रहा है कि किस सुल्तान ने सबसे लंबे समय तक शासन किया था? खिलजी ने, लोदी ने, गुलाम ने या तुगलक ने? तो भैया आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। तुगलक वंश के आपके सुल्तानों ने सबसे लंबे समय तक क्या किया था? शासन किया था। अगला प्रश्न हमसे क्या कह रहा है, अगला प्रश्न हमसे कह रहा है दिल्ली के सुल्तानों की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? दिल्ली के सुल्तानों की बात हो रही है। कृषि विभाग की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी? कृषि विभाग की स्थापना की थी और फसलों के रोटेशन की योजना बनाई थी। बात कर रहा है कि दिल्ली के किस सुल्तान ने आपके कृषि को लेकर बातचीत करी थी और फसलों के रोटेशन को लेकर बात करी थी। बोले भैया फसल जो है वो रोटेशन में आनी चाहिए, बोले पहले गेहूं कर लो, धान कर लो, गन्ना कर लो, ठीक है। बोले इस तरीके से आप एक पैटर्न बना लो कि आपको कब क्या करना है और सभी लोग उसी चीज को फॉलो करेंगे जिसको हम सीजनल क्रॉप्स कहते हैं, ठीक है। वही उन्हीं की बात हो रही है कि सबसे पहले इस चीज के लिए, फसलों के रोटेशन के लिए और आपके कृषि विभाग की स्थापना सबसे पहले इन सब में से किसने की थी? बात कर रहा है इल्तुतमिश ने की थी, बलबन ने की थी, अलाउद्दीन खिलजी ने की थी या मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी? हाँ जी, तो आपका सही उत्तर यहां से क्या हो जाएगा, किसने की थी? हाँ जी, ठीक है, तो किसने की थी? मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। किसने की थी जी? मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। सबसे पहले कृषि विभाग की स्थापना आपके मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न हमसे क्या कह रहा है, बात कर रहा है मोहम्मद बिन तुगलक की। किसकी बात कर रहा है? मोहम्मद बिन तुगलक की बात कर रहा है। उनने अपनी राजधानी दिल्ली से कहां पर शिफ्ट करी थी? बात कर रहा है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से अपनी राजधानी हटाकर ले गए थे, कहां ले गए थे, कहां ले गए थे? दौलताबाद में ले गए थे, कली जेब में ले गए थे, कन्नौज में ले गए थे? कन्नौज होगा जी, कन्नौज कहाँ थे? कन्नौज में ले गए थे या लाहौर में ले गए थे भैया? तो भैया कहाँ ले गए थे? भैया लाहौर में ले गए थे। कहाँ ले गए थे? लाहौर में ले गए थे, ठीक है। चलो जी आगे बात कर रहा है कि भैया किस सुल्तान ने अमीर ए कोही पेशा किया। बात कर रहे हैं अमीर ए कोही की इनमें से किसने आपका शुरुआत किया था, किस विभाग ने भैया इसको बनाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने, फिरोज शाह तुगलक ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने या फिर सिकंदर लोदी ने? हाँ जी, सही उत्तर बताइए किसने किया था जी, बताइए सही किसने किया था? तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी आपके फिरोज शाह तुगलक।
सही क्या हो जाएगा आपका, फिरोज शाह तुगलक आपका बिल्कुल यहाँ से सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए, देख लीजिए भैया, देख लीजिए इसको। अगला हमसे क्या कह रहा है, दिल्ली सुल्तान के सबसे विद्वान शासक, बात कर रहा है भैया खगोल विज्ञान की, बात कर रहा है गणित की, बात कर रहा है चिकित्सा की। कह रहा है भैया दिल्ली के किस सुल्तान ने बात किस पे की थी, खगोल विज्ञान पे, गणित पर और आपके चिकित्सा पर। इन चारों में से पूछ रहा है भैया कौन थे जिनके सीखने का विभिन्न शाखाओं का परंगत थे। तो भैया कौन थे, इल्तुतमिश थे, अलाउद्दीन खिलजी थे, मोहम्मद बिन तुगलक थे, सिकंदर लोदी थे। बात कर रहा है किसकी, खगोल विज्ञान की। तीनों में से कोई एक भी आ जाएगा तो भी आपका उत्तर वही रहेगा, दिल्ली के सुल्तान की बात कर रहा है। तो भैया ऑप्शन क्या जाएगा, ऑप्शन आपका सी कतई सही हो जाएगा, मोहम्मद बिन तुगलक। क्या हो जाएगा, मोहम्मद बिन तुगलक आपका कतई क्या हो जाएगा, यहाँ से सही आंसर हो जाएगा। आगे की बात कर रहा है, अकबर के प्रसिद्ध राजस्व मंत्री कौन थे, भैया कौन का करवर का उनका और कौन उनके पैसे की गणना करता था। पूछ रहा है किसमें, अकबर के शासनकाल में कौन करता था, तानसेन करते थे, टोडामल करते थे, राणा प्रताप सिंह करते थे या हुमायूं करते थे। अरे भैया अकबर के पिताजी थे हुमायूं, अकबर के तो पिताजी थे हुमायूं, अकबर कहाँ, यहाँ पे हुमायूं कहाँ से आ गए, टोडामल या तानसेन या राणा प्रताप सिंह। तो भैया टोडामल, टोडामल कौन थे, ये इनके राजस्व विभाग को संभालते थे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न हमसे क्या कह रहा है, अगला प्रश्न हमसे कह रहा है गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। बोले गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया, काहे ले लिया, ये पूछ रहा है। ठीक है, तो भैया वो ये पूछ रहा है किन कारणों से लिया था, तो कारण आपके सामने है, चोरी चोरा कांड, चंपारण आंदोलन, काकोरी षड्यंत्र या फिर बारदौली आंदोलन। तो भैया बारदौली आंदोलन है, काकोरी षड्यंत्र है आपका, चंपारण है या फिर चोरी चोरा कांड है। तो भैया आपका ऑप्शन ए चोरी चोरा कांड, इसके बाद ही आपके असहयोग आंदोलन को क्या कर लिया था, वापस ले लिया था। अगला प्रश्न पूछ रहा है मूल नाम किसका, स्वामी विवेकानंद का, स्वामी विवेकानंद का मूल नाम आपसे पूछ रहा है, पूछ रहा है आपसे स्वामी विवेकानंद, जो कि बाद में उनको उपाधि मिली थी स्वामी की, किसने लिखी थी, मेरे जाके एमसीक्यू देख लेना, पता लग जाएगा किसने दी थी स्वामी की। ठीक है जी, बात इधर कर रहे हैं, परमहंस ने दी थी। ठीक है, जाकर देख लेना वीडियो, वहां से आपको बहुत कुछ मिल जाएगा सीखने के लिए। बात कर रहे हैं स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या है, तो भैया मूल नाम क्या है, नरेंद्रनाथ दत्त है, बट्टू केशवर दत्त है, कृष्ण दत्त है या सुरेंद्र दत्त है। तो भैया ऑप्शन ए आपका यहाँ से कतई सही हो जाएगा, आपका बेटा इसका जो मूल नाम है वो क्या हो जाएगा, आपका नरेंद्रनाथ दत्त हो जाएगा। ठीक है जी, अगले की प्रश्न की तरफ बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न हमसे क्या कह रहा है कि सुभाष चंद्र बोस ने देश में स्वतंत्रता भारत की अंतिम सरकार की स्थापना की थी। बात कर रहा है सुभाष चंद्र बोस ने आपकी जो अंतिम जो आपके स्वतंत्र होने के लिए भारत में जो एक जनगणना करी थी भैया, सॉरी एक स्थापना की थी, किसकी स्थापना की थी, एक कमेटी की स्थापना की थी भैया, वो कहाँ करी थी, वो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा कहाँ पर की गई थी। आपको देशों के नाम गिवन है, बर्मा थी, सिंगापुर था, थाईलैंड था या इंडोनेशिया था। ठीक है, क्या था, तो भैया ऑप्शन बी आपका यहाँ से कतई सही उत्तर हो जाएगा, सिंगापुर में की थी। कहाँ की थी जी, सिंगापुर में की थी सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है, अगला पूछ रहा है शून्य के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था, शून्य के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था या शून्य को किसने खोजा था, बात इसकी हो रही है। तो भैया ऑप्शन देख लेते हैं, आपके चरक थे, चाणक्य थे, आर्यभट्ट थे या फिर आपका बारह मिहिर थे। तो भैया कौन थे आपके, आपके आर्यभट्टा, आपके कौन थे भैया, आर्यभट्टा जो थे आपका इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, और जो कि क्या थे, शून्य के सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाले व्यक्ति थे। ठीक है, आर्यभट्ट ने ही दिया था। ठीक है भैया, चलो आगे की बात कर लेते हैं। तो भैया देखो आज के ये जो 20 प्रश्न है, मैंने आज आपको 20 प्रश्न लगवाए हैं, सेम इसी तरीके से मैं आपका डेली डोज बढ़ाता रहूंगा और ये डेली डोज आपको निरंतर तौर पर मिलता रहेगा। ठीक है, इसी के साथ चैनल के साथ बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करते रहें और चैनल को शेयर करते रहें, और साथ ही साथ में वीडियोस को भी शेयर करते रहें ताकि आपके साथ साथ आपके दोस्तों का भी भला होता रहे। और एक बात मैं आपसे कहना चाहूँगा जी वीडियो के अंत में, कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि शायद ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो शायद सफिशियंट नहीं होगा, या फिर हम इतने क्वेश्चन से क्या कर पाएंगे, या ऐसा क्या हो जाएगा। तो जी एक बात आप मुझे बताइए, अगर मैं आपको यहाँ पे लंबे चौड़ा सा पैराग्राफ लिख कर दे दूँ और मैं उसमें आपको बताता रहूँ ये ऐसा होता है वैसा होता है, क्या आप कर लेंगे, कितना समय रह गया है आपके पास,
क्या आप कॉपी पेन लेकर उसको लिख लिख कर करते रहेंगे क्या? हाँ नहीं कर पाएंगे सर आप इतना है? अब आपको लगता है कि अरे ऐसा है तो हम उसमें शॉर्ट नोट निकाल लेंगे। चलो ठीक है, मैं आपके सामने खड़ा हो जाता हूँ, मैं आपसे कहता हूँ चलो आज मुकलबंस लिखना चालू करो, मैं आपको मुकलबंस पढ़ा रहा हूँ, लिख लोगे आप मुझे बताओ लिख लोगे? अगर मैं 55 मिनट की वीडियो डालूँ या एक घंटे की वीडियो डालूँ तो मैं गारंटी दे सकता हूँ आपको लिखने में 2 से 2.5 घंटा लगेगा। और इस तरीके से आपके पास जितने भी सब्जेक्ट हैं हर सब्जेक्ट का 2 से 2.5 घंटा लगाना, 24 घंटा हो गया। सोओगे कब, पढ़ोगे कब, लिखोगे कब, अपना काम कब करोगे और रिविज़न कब करोगे जी? पेपर तुम्हारा 28-29 में आने को हो गया है और तुम सोच रहे हो कि बड़े से लंबे चौड़े पैराग्राफ आपको मिल जाएं। तो आप चैनल पे बने रहिए, चैनल के साथ रहिए, आपका सहयोग ही हमारे हमें सहानुभूति देता है कि हाँ भाई हमारे जो हमारे साथ के जो मित्र हैं, हमारे जो भाई बहन हैं, वो आगे बढ़ रहे हैं और हमें उनके लिए कुछ और भी अच्छा करना है, हमें उन्हें एक विभाग से दूसरे अच्छे विभाग में पहुँचाना है। आप लोग सोच रहे हैं कि अरे यहीं सेटल हो जाए, यहीं पर कहानी हो जाए, भाई ये पैट का पेपर है, पैट के पेपर को निकालेंगे तब जाकर कहीं अगले में फॉर्म पड़ेगा, ठीक है? इसको तो भली भांति तरीके से करिए और हमारे साथ बने रहिए ताकि हम आपको पैट में सिलेक्शन दिलाने के बाद आपको उसमें सिलेक्शन दिलाएं जिसकी आपको प्रतीक्षा है, जिसके लिए आप तैयारी कर रहे हैं, ठीक? चैनल के साथ आप लगे रहिए, इतना लंबा चौड़ा पढ़ने का मतलब नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि और चैनल वाले करा रहे हैं वो ऐसे वैसे, कुछ नहीं है जी, मैं आपको बस इतना कहना चाह रहा हूँ समय के अनुसार चलिए। अगर अभी यही इसी भर्ती के लिए 2-3 महीने होते मैं आपको बहुत लंबे चौड़े पैराग्राफ कराता, मैं आपको यहाँ पे लिख लिख के सारी एक एक चीज़ बताता, लेकिन यहाँ पे MCQ प्रैक्टिस करना ज़रूरी है और उसको आप करिए, वो ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है? तो इसी के साथ मैं आज अलविदा लेता हूँ, चैनल के साथ बने रहिए और मैं समझता हूँ कि शायद आपको ये बात मेरी समझ में आए, नहीं आए तो भैया थोड़ा सा शांति के साथ बैठ के ज़रा सोचिएगा, आपको सब समझ में आएगा, ठीक है? और इसी के साथ हम अपना UPSI का बैच और कांस्टेबल के बैच लॉन्चेस करेंगे इसके बाद ही, उसके साथ हमारे साथ बने रहिए और अपना सहयोग देते रहिए। धन्यवाद।